बॉलीवुड में विलेन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले महेश आनंद का कुछ समय पहले ही निधन हो गया। उनका शव घर पर गली सड़ी हालत में मिला। खबरों की माने तो 57 साल के महेश आनंद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। 18 साल से उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला था। हालांकि कुछ समय पहले ही गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा में उनका 6 मिनट का रोल देखने को मिला। महेश के बारे में शक्ति कपूर ने बताया कि काम ना मिलने से वो डिप्रेशन में चले गए थे, साथ ही शराब भी बहुत पीते थे। रंगीला राजा मिलने के बाद महेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 18 साल तक किसी ने मुझे साइन नहीं किया, लेकिन भगवान दयालु इंसान के रूप में आया और मुझे रंगीला राजा में छोटा सा रोल ऑफर किया। रिपोर्टर्स की माने तो महेश आनंद मुंबई के वर्सोवा में अकेले रहते थे। महेश एक ट्रेंड डांसर थे जो बॉलीवुड में परफॉर्म किया करते थे। बॉलीवुड में आने से पहले वो भारत के टॉप मॉडल में शुमार थे। कराटे में ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद महेश दुनिया भर में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेते थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक महेश ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन प्रोड्यूसर बरखा रॉय से की थी। इसके बाद साल 1987 में उनकी दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। दोनों का एक बेटा त्रिशूल आनंद भी है, जो कि अब करीब 29 साल का हो चुका है। त्रिशूल का नाम बदलकर अब एंथोनी वोहरा हो गया है। आनंद की तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से साल 1992 में हुई। ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। साल 2000 में उन्होंने चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बाचानी से की, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। उषा के प्रेग्नेंट होने की खबर भी आई, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने महेश पर शराब के नशे में रेप का आरोप लगाया और तलाक ले लिया। कुछ समय पहले महेश आनंद ने फेसबुक पर एक महिला के साथ फोटो भी शेयर की थी। इसमें उन्होंने उस महिला को अपनी पत्नी बताया था। खबरों की माने तो साल 2015 में महेश ने एक रशियन लड़की लाना के साथ शादी की थी। महेश ने फेसबुक पर लाना के साथ ही फोटो शेयर की थी। महेश एक्टर कीमी काटकर के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। महेश आनंद 90 के दशक में उस समय चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने सड़क किनारे सो रहे 3 लोगों पर कार चढ़ा दी थी। ये हादसा अमिताभ बच्चन के घर के सामने हुआ था। बाद में अमिताभ ने ही महेश को सारे लीगल पछड़ों से बचाया था। महेश की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वो 10,000 रुपए के लिए पार्ट टाइम जॉब करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान जब महेश से कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने की वजह के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि उस समय आज की तरह स्टंट के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं होते थे। एक स्टंट के दौरान मुझे ऐसी चोट लगी कि 6 महीने अस्पताल और उसके बाद 3 साल तक घर में बिस्तर पर रहा। मेरा वजन 38 किलो कम हो गया और मेरी हड्डियां खराब हो गई। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैं अपने बेटे त्रिशूल की यादों के साथ अकेला रहता हूँ और वो त्रिशूल ये भी नहीं जानता कि मैं उसका पिता हूँ। जब वो 9 महीने का था तभी उसे मुझसे छीन लिया गया और अब वो 25 साल का हो गया है। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही हैंडसम है। त्रिशूल मेरा दिल है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।